डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निकोटिनिक एसिड और उसके के की वैल्यू 1.4 × 10⁻⁵ दी गई है। कह रहा है इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला HNIC। कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन इन अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 0.1 मोल्स ऑफ निकोटिनिक एसिड पर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड ऑप्शन ए 9.3%, 2.37%, 1.67% एंड 5.35%। चलो भाई देख लेते हैं। आपको निकोटिनिक एसिड दिया गया, वीक एसिड है, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है HNIC से। इसका मतलब ये ब्रेक होके H प्लस आइन और NIC माइनस आइन बना देगा, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा को परसेंट में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। विच कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ निकोटिनिक एसिड पर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। यानी कि HNIC जो है इसके कितने मिल मोल लिए, 0.1 मोल लिए, और कितने लीटर में लिया, तो 2 लीटर में लिया। तो चलो भाई इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मोल पर लीटर आएगी, मोल कितना 0.1 है और लीटर कितना 2 है, इसका मतलब 0.1/2 यानी कि 5 × 10⁻²² आ गई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो सी कंसंट्रेशन जो है वो 5 × 10⁻²² आ गई। चलो भाई अब देखो, T=0 पे क्या था, सी मोलर था, और ये जीरो था, और T=T पे ब्रेक हुआ तो सी में से सी अल्फा ब्रेक हो गया, यहाँ पर सी अल्फा बन गया और ये भी सी अल्फा बन गया। इसको मैंने सी कॉमन ले लिया, 1 - अल्फा कर दिया, ठीक है ना। अब इसका मैं के अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और बाई आ जाएगा क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट मेरे पास 2 हैं और रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, 1 है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर H प्लस आइन की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा है, इंटू इसकी भी सी अल्फा है, और ये कितनी है, सी 1 - अल्फा है, ठीक है। सी सी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा, और ये क्या है, के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, अब जनरली आप जब देखते हो इसको, तो इसमें आप बोलते हो कि सर अल्फा जो है वो वीक एसिड है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बहुत ही कम है और हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर तो आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, तो ये आप निगलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, ये कैसे आप पता करेंगे, तो ये आप के की वैल्यू से पता करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि K जो है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो K की वैल्यू आपको दी गई 1.4 × 10⁻⁵, यानी बहुत कम वैल्यू दी गई है। K की वैल्यू 10⁻⁵ बहुत कम है। K होता क्या, K जो है वो प्रोडक्ट वाइज रिएक्टेंट होता है। इसका मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो K की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है तो K की वैल्यू घट जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इक्विलिब्रियम में,
आप इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि ये टूटा ही नहीं ज़्यादा, और जब ज़्यादा नहीं टूटा तो इसका मतलब है कि इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बहुत ही कम है, और जब बहुत कम है तो फिर आप अल्फ़ा को यहाँ निगलेक्ट कर सकते हैं, और जब आपने निगलेक्ट किया तो के इक्वल टू आ जाएगा क्या, सी अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू जो होगा वो आ जाएगा क्या, रूट के बाई सी आ जाएगा। सही, अब k की वैल्यू गिवेन है, हाँ गिवेन है 1.4 × 10⁻⁵ है, ठीक है ना भाई। c की वैल्यू गिवेन है, गिवेन है भाई 5 × 10⁻², दिया है। यहाँ पर हम इसको पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा के हम यहाँ पर पावर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 14/5 × 10⁻⁶ ऊपर हो जाएगा और 10⁻²² नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू जो आएगी वो 2.8 आएगी। इसको हम 5 से डिवाइड कर अगर करते हैं तो ये वैल्यू 2.8 आएगी, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा कितना, 10⁻⁴ हो जाएगा। 10⁻⁴ का आप 10⁻²² लिख सकते हो, 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट जो होगा वो 10⁻²² हो जाएगा, और रूट 2.8 को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 1.67 आती है। सही है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.67 × 10⁻², ये अल्फा की वैल्यू है, पर चूंकि ऑप्शन परसेंटेज में है और 1.6%, तो भाई ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में 1.67% आ जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।